Hello students, today I will discuss a new topic and that is Murray Darling Basin. Murray Darling Basin का एक संतुलित भौगोलिक विवरण की बात है कि कैसे लिखा जाए संतुलित भौगोलिक विवरण. हम पिछले क्लास में ये बात कर चुके हैं कि ए बैलेंस ज्योग्राफिकल रीजन किसी भी प्रदेश का लिखना हो तो उसके लिए तीन चार एस्पेक्ट पर लिखना आवश्यक होता है. पहले तो आप इंट्रोडक्शन बताएं और दूसरा फिजिकल एस्पेक्ट की बात होती है, नेक्स्ट इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात होती है, उसके बाद कल्चरल एस्पेक्ट की बात होती है. फिजिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट से संबंधित बातें होती है और अंत में उसका हम फ्यूचर एंड कंक्लूडिंग पॉइंट निकालते हैं. दैट इज द ए बैलेंस्ड ज्योग्राफिकल रीजन भूगोल में इस प्रकार से लिखा जाता है. तो आज हम आपके साथ हैं मरे डार्लिंग बेसिन, जिसको डाउन्स कहा जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड विश्व में जो पांच हैं उसमें एक प्रमुख डाउन्स भी है और इसका विस्तार इस नक्शे पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में जो डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, तो डाउन्स जो है मरे डार्लिंग बेसिन क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के क्षेत्र को कवर करता है, जबकि उत्तर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इस मरे डार्लिंग बेसिन से अनटच्ड रहता है, इसमें उसका योगदान नहीं है. यह क्षेत्र जो है इसके परिचय के रूप में प्रसिद्ध विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने कहा था अपनी पुस्तक में मरे डार्लिंग बेसिन, जिसको डाउन दैट इज ऑल्सो नोन एज डाउन्स, इज द इकोनॉमिक एंड कल्चरल लैंडस्केप हार्टलैंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हैविंग 1.3 ऑफ इट्स एरिया, 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. ये ग्रिफिथ टेलर का कहना है. अब देखिए इस स्टेटमेंट को परिचय के रूप में लिया जाए तो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का केवल 1.3% क्षेत्रफल वाला वह भाग जिसमें संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का 80% जनसंख्या निवास करती है वह ऑस्ट्रेलिया महादेश का आर्थिक और सांस्कृतिक हृदय प्रदेश है, उसी को मरे डार्लिंग बेसिन कहते हैं. अर्थात वह भूमि, वह प्रदेश जो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का हार्टलैंड है, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से दोनों दृष्टि से हार्टलैंड के रूप में मरे डार्लिंग बेसिन को जाना जाता है. इसके साथ साथ हम और भी परिचय दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वैसा प्रदेश, वैसा भौगोलिक प्रदेश जो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 88% उत्पादन करता है, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के कुल जनसंख्या की 80% जनसंख्या उस प्रदेश में निवास करती है, ऑस्ट्रेलिया के कुल उत्पादन का 75% कोयला उत्पादन उस प्रदेश में होता है, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के गेहूं उत्पादन का 60% गेहूं उत्पादन उस प्रदेश में होता है, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में जो गैस उत्पादन होता है उस प्राकृतिक गैस उत्पादन का 40% गैस उत्पादन करता है, संपूर्ण डेयरी का प्रोडक्शन का 1/3 भाग अर्थात 33% डेयरी प्रोडक्ट उत्पादन करता है, 25% भेड़ मांस का उत्पादन करता है, 25% अन्य मांस का भी उत्पादन करता है. इस प्रकार से यह प्रदेश मरे डार्लिंग बेसिन के नाम से जाना जाता है. तो इसको मरे डार्लिंग बेसिन का एरिया स्पष्ट लिखा हुआ है 10,00,000 वर्ग मील है. ये शेप इसका अंडाकार है और इसका लोकेशन हम दो तरह से देते हैं, एक
भौगोलिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और ये रीजनल लोकेशन। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में इसका विस्तार देखिए, ये 28 डिग्री यह है दक्षिणी महाद्वीप में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, 28 डिग्री साउथ लैटीट्यूड से लेकर के 37 डिग्री साउथ लैटीट्यूड पर स्थित है। यह पैंपा प्रदेश 138 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 150 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अर्थात इसका एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन कितना में है तो 28 + 38 यानी 9 डिग्री, अर्थात 9 डिग्री लैट्स पर यानी 9 डिग्री अक्षांश रेखाओं पर यह विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में पाया जाता है। पुनः देशांतरीय विस्तार 38 से 50 अर्थात 12 डिग्री, दूसरा ये 12 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है जो पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार को बतलाता है। 9 डिग्री अक्षांश रेखाओं पर उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है, 12 डिग्री देशांतर रेखाओं पर पूरब से पश्चिम विस्तार है जिसको हम नक्शे पर दर्शा देंगे। 28 डिग्री साउथ लैटीट्यूड से लेकर के 37 डिग्री साउथ लैटीट्यूड और पुनः 138 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 150 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच इसका विस्तार पाया जाता है। तो आगे यह परिचय के बाद इसका हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करेंगे। इसका फिजिकल एस्पेक्ट जानने के पहले इसका हम एक रीजनल लोकेशन बतला देते हैं कि उत्तर में हाईलैंड इसका क्वींसलैंड का उच्च भूमि है और दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रेंज है। इस प्रदेश के दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रेंज है, पूरब में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स ऑफ ब्लू माउंटेन है और पश्चिम में ईस्ट साइड पश्चिम में ब्रोकन हिल और फ्लिंडर्स की पहाड़ियां हैं तथा साउथ वेस्ट में दो खाड़ी है जिसका नाम है इनकाउंटर की खाड़ी और फिलिप की खाड़ी। इसका स्ट्रक्चर संरचना कैसे हुआ, जियोलॉजिकल भौगोलिक संरचना, यहाँ प्राचीन युग के पैलियोजोइक युग की चट्टाने मिलती हैं। पैलियोजोइक एरा के में ये चट्टाने इस पर इन पर्वतों का निर्माण हुआ था और यही पूर्वी उच्च भूमि के अपरदम से प्राप्त मलबों से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। मरे नदी के डेल्टा के पास टर्शियरी युग की चट्टानें मिलती हैं। नदियों की मैं बात करें कि यहाँ जो नदियां प्रमुख, दो प्रमुख नदियां हैं मरे और डार्लिंग, जिसमें सर्वाधिक जल मरे नदी के द्वारा ही उड़ेला जाता है सागर में और डार्लिंग नदी लंबी है इसके बावजूद भी उससे कम पानी आता है। तो मरे नदी का जो डेल्टा है इनकाउंटर गल्फ और फिलिप गल्फ के निकट ये गिरती है, यहाँ पर कुछ टर्शियरी युग की चट्टानें मिलती हैं। किनारे किनारे पर इस बेसिन के किनारे किनारे पर अनेक फिली ये पेनीप्लेन्स का पाया जाता है, संप्रायक मैदान पाया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं द इंड प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन इज कॉल्ड पेनीप्लेन। तो यहाँ साइकिल, अनेक साइकिल चल चुका है, ये इरोजन साइकिल ऑफ इरोजन का चल चुका है जिसका इंड प्रोडक्ट पेनीप्लेन के रूप में आज भी वर्तमान है, जिसमें कोनार का पठार, लेविस प्वाइंट, ब्राउन हिल एंड बैरियर रेंज ये सभी संप्राय मैदान के रूप में पाए जाते हैं। इसका फिजी अल्टी ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, कहीं कहीं यह 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई भी इसमें मिलते हैं। मैदानी भाग फिजियोग्राफी की दृष्टि से इस संपूर्ण प्रदेश का मरे डार्लिंग बेसिन को 7 भाग में बांट सकते हैं। हालांकि पहला जो तटीय मैदानी भाग है, तटीय मैदानी भाग ये जो है यह बेसिन से बाहर है, लेकिन कोशिश को रेंज, दूसरा कोशिश को रेंज है,
तीसरा न्यू पर्वत गिरिपिंड है और न्यू इंग्लैंड रेंज है, ये सभी ये पूरब पूर्वी की दिशा में पाए जाते हैं, जबकि इस मैदान के उत्तरी भाग का उत्तरी भाग जो है वह जहां से डार्लिंग नदी का प्रवाह होता है वहां आर्टिजियन वेल यानी ये पाताल तोड़ कुआं जिसको कहते हैं पाताल तोड़ कुआं का क्षेत्र पाया जाता है और इसी समय में यहीं पर ब्रोकन हिल पाया जाता है और मध्यवर्ती भाग जो है मर्रे डार्लिंग का बेसिन पाया जाता है। अब फिजिकल एस्पेक्ट में क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट यहाँ का कैसा है। एक शब्द में अगर मरे डार्लिंग बेसिन के क्लाइमेट का वर्णन करना चाहें तो वह समशीतोष्ण कह सकते हैं, अर्थात न तो गर्मी में अधिक गर्मी और न जाड़ा में अधिक जाड़ा है। समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पाई जाती है और सर्वाधिक तापमान दिसंबर और जनवरी के महीने में पाया जाता है, यानी दिसंबर जनवरी फरवरी गर्म ग्रीष्मकाल के महीने हैं, जिसमें दिसंबर और जनवरी में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ इस प्रदेश में उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ग्रीष्मकालीन उच्चतम ये ग्रीष्मकालीन का औसत उच्चतम नहीं औसत तापमान 25 डिग्री है और शीतकाल का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। हालांकि जुलाई और अगस्त के महीने में पाला गिरता है, यहाँ वर्षा सालों भर होती है, इस प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है, लेकिन वर्षा के हिसाब से मरे डार्लिंग बेसिन को तीन भाग में बांट सकते हैं। पूर्वी उच्च भूमि के ढलानों पर वर्षा 50 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ जहाँ न्यू इंग्लैंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ से हवा पूरब की पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और इस पश्चिमी ढलानों पर वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है और जैसे जैसे इस मैदानी भाग में पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा घटती जाती है। एज वी गो टुवर्ड्स वेस्ट द रेनफॉल डिक्रीजेज। फिर मध्यवर्ती भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है और पश्चिमी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी घट जाती है, अर्थात रेगिस्तानी स्वरूप यहाँ उभरने लगता है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग रेगिस्तान है। तो यहीं से इसी में मरे डार्लिंग बेसिन के पश्चिमी किनारे से यहाँ वर्षा की मात्रा घटने के कारण यह बालूनुमा प्रदेश उत्पन्न हो जाता है। मिट्टियां यहाँ चार प्रकार की मिट्टियां हैं इस प्रदेश में। ये पश्चिमी भाग में बलुई मिट्टी, अभी बात कर रहे हैं कि वर्षा के कम होने के कारण यहाँ बालू उत्पन्न होने लगता है, इसलिए पश्चिमी भाग में बलुई और लोयस मिट्टियां पाई जाती हैं। जलोढ़ मध्यवर्ती भाग जो है, ये मध्यवर्ती भाग जहाँ मर्रे और डार्लिंग नदी का बेसिन मुख्य रूप से पाया जाता है, वह मध्यवर्ती भाग में जलोढ़ मिट्टी या सादी मिट्टी पाया जाता है। उत्तरी भाग, इस मर्रे डार्लिंग बेसिन का उत्तरी भाग में भूरी मिट्टी पाई जाती है, पॉडजोल प्रकार की मिट्टी मिलती है और दक्षिणी भाग यानी जहां मरेन और डार्लिंग नदी मोरम्बिजी नदी का लाचलान नदियां ये गिरती है, इस नदी के मुहाने वाले क्षेत्र में डेल्टा वाले क्षेत्र में कांप मिट्टी पाया जाता है। वनस्पति के नाम पर यहां पूर्वी भाग जहां वर्षा के प्रकृति के अनुसार वर्षा के स्वभाव के अनुसार फ्रीक्वेंसी के अनुसार वनस्पतियों के प्रकार भी बदलते हैं। जहां वर्षा अधिक होती है अर्थात पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी ढलानों पर वर्षा अधिक होती है यहां सघन वन मिलते हैं, इसको आर्द्र सघन वन कहा जाता है। आर्द्र सघन वन में कड़ी लकड़ियों के वन मिल पेड़ पाए जाते हैं, यूकलिप्टस महोगनी आबोनी आदि पेड़ पाए जाते हैं।
कम वर्षा वाले क्षेत्र यानी मध्यवर्ती भाग में और पश्चिमी भाग में ताड़ मिलते हैं, बबूल मिलते हैं, खजूर मिलते हैं, कांटीली झाड़ियां पाई जाती है। आर्थिक पहलू में मुख्य रूप से कृषि, खनिज और उद्योग आते हैं। तो कृषि के साथ सिंचाई जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां वर्षा कम होती है वहां सिंचाई की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि कृषि में स्पष्ट शब्द है वैज्ञानिक ढंग, अर्थात इस क्षेत्र में कृषि जो होती है मरे डार्लिंग बेसिन में, वह वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है। आधुनिक औजारों का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर्स का प्रयोग किया जाता है, काटने के लिए हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आधुनिक मशीनों के द्वारा मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर यानी यांत्रिक कृषि की जाती है। यहाँ खेतों के आकार बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े फार्मों पर खेती की जाती है और सर्व प्रमुख फसल गेहूं है। गेहूं के अलावे अन्य खाद्य फसलें और अन्य नकदी फसलों का भी उत्पादन होता है, लेकिन गेहूं का फसल सर्व प्रमुख है। इसी गेहूं के फसल के चलते इस मरे डार्लिंग बेसिन का को जाना जाता है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से। तो गेहूं उत्पादन में जहां पूर्वी भागों में गेहूं उत्पादन प्राकृतिक वर्षा पर आधारित है, आसानी से खेती हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है, तो मरे डार्लिंग बेसिन में यह चार योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके आधार पर यहाँ सिंचाई के द्वारा गेहूं की खेती की जाती है। नदियां हैं मरे नदी, डार्लिंग नदी, मोरम्बिजी नदी, लाचलान नदी और अन्य छोटी छोटी नदियां हैं। उस पर बांध बना करके कृत्रिम जलाशय बना दिए जाते हैं और कृत्रिम जलाशय से सिंचाई का काम लिया जाता है। हालांकि उसे मत्स्य पालन और मत्स्य उत्पादन भी किया जाता है, लेकिन सर्व प्रमुख है सिंचाई की खेती करना, सिंचाई की सहायता से खेती करना। यहाँ मोरम्बिजी बांध योजना है, ह्यूम बांध योजना है, रोगोनाग बांध योजना है और बेंटवर्थ योजना है। इन चारों योजनाओं के सहारे यहाँ सिंचाई का व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाती है, जिसके आधार पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। खनिज में आइए, चूंकि इसके पूर्वी प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र है, पश्चिमी प्रदेश भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें मिलती हैं, विषम स्ट्रक्चर वाला प्रदेश मिलता है, वह प्रदेश खनिज पदार्थों से भरा हुआ है और लौह अलौह सभी प्रकार के खनिज इस क्षेत्र में मरे डार्लिंग बेसिन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप शक्ति संसाधन के रूप में कोयला का उत्पादन, पेट्रोलियम का उत्पादन और प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। हालांकि यहाँ सोलर एनर्जी का भी उत्पादन होता है, टाइडल एनर्जी का भी उत्पादन होता है, विंड एनर्जी का भी उत्पादन होता है। तो परंपरागत तरीके से जो पेट्रोलियम का पूरे ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन होता है, उसका 88% पेट्रोलियम का उत्पादन केवल इस मरे डार्लिंग बेसिन में होता है। उसी प्रकार से 75% कोयला का उत्पादन मरे डार्लिंग बेसिन में होता है और ऑस्ट्रेलिया के कुल प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 40% प्राकृतिक गैस का उत्पादन मरे डार्लिंग बेसिन के द्वारा किया जाता है। उद्योगी यहाँ संपूर्ण प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ उद्योगों का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। बड़े उद्योग भी हैं और छोटे उद्योग भी लगाए जा गए हैं। छोटे उद्योगों का ऑस्ट्रेलिया में जितना टोटल छोटे उद्योग विकसित हैं, उसका 75% छोटे उद्योग केवल इस मरे डार्लिंग बेसिन में पाए जाते हैं। पूरा औद्योगिक प्रदेश को इस हंटर औद्योगिक प्रदेश, समुद्र तटीय औद्योगिक प्रदेश और आंतरिक औद्योगिक प्रदेश में बांट सकते हैं और इस तरह से यह एग्रीकल्चरल रीजन
और के साथ साथ यह औद्योगिक प्रधान क्षेत्र है। एग्रीकल्चर में यह आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें कृषि का एक ये रूप स्वरूप दिखाई पड़ता है। मध्य भाग जो है बेसिन एरिया है, बेसिन एरिया में पूर्ण रूप से गेहूं की खेती की जाती है और आवश्यकता अनुसार सिंचित भी उसको किया जाता है। मर्रे डार्लिंग नदियों में, मर्रे में तो बराबर पानी रहता है और डार्लिंग नदी में पानी कम होता है क्योंकि उसका आंतरिक जल जो है कम होने का कारण यही है कि आर्टिजियन जो वेल है, पाताल तोड़ कुआं है, पाताल तोड़ कुआं के द्वारा इन क्षेत्रों में सिंचित जहां खेती की जा रही है वहां पाताल तोड़ कुआं होता है और डार्लिंग नदी का पानी का अवशोषण उन पाताल तोड़ कुओं के द्वारा कर लिया जाता है, इसीलिए डार्लिंग नदी में पानी कम होता है। किनारे के तटवर्ती भागों में पशुपालन का कार्य होता है, फिर पश्चिमी भाग जो शुष्क प्रदेश है वहां भी पशुपालन का कार्य होता है। तो इस आर्थिक दृष्टि से इसको हम बांट सकते हैं। औद्योगिक का प्रधान केंद्र विक्टोरिया है, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य जो है यही दोनों औद्योगिक के प्रधान केंद्र हैं जहां उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो अब इसके बाद हम कल्चरल एस्पेक्ट पर बात करते हैं। सांस्कृतिक एस्पेक्ट में, सांस्कृतिक पहलू में हम जनसंख्या की बात करते हैं, परिवहन की बात करते हैं, भौगोलिक प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि यह सबसे पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे सघन आबादी वाला प्रदेश है। कुल ऑस्ट्रेलिया महादेश की कुल आबादी का 80% जनसंख्या इसी मर्रे डार्लिंग बेसिन में निवास करती है और इसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 18 मिलियन है, यानी 1,80,00,000 लोग। अब तो यह 2 करोड़ से के लगभग जनसंख्या हो गई है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार 18 मिलियन जनसंख्या यहाँ रिकॉर्ड की गई है। अधिकांश जनसंख्या नगरों में बसती है। कुल आबादी की 73% जनसंख्या भिन्न भिन्न बड़े बड़े नगरों या छोटे छोटे नगरों में निवास करती है। केवल 27% यानी नियर अबाउट 1/4 पॉपुलेशन ड्वेल्स इन रूरल एरियाज व्हाइल 2/3 पॉपुलेशन रेसाइड्स इन अर्बन एरियाज। यहाँ कहने का मतलब यहाँ नगरों का भी विकास हुआ है, नगर बड़े भी हैं, नगर छोटे भी हैं। मेलबोर्न, वेंडिगो, बेलारेट, एलबरी, सिडनी, ये सब बड़े बड़े नगर में से आते हैं, बड़े नगरों में आते हैं और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या इन नगरों में निवास करती है। हाँ, एक बात और है जनसंख्या के संबंध में कि यहाँ व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी अपनाया जाता है। व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी में यह प्रतिबंध लगा हुआ है कि विदेशी अश्वेत लोग यहाँ निवास नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन दिनों इस व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी में कुछ ढील दी गई है और इस ढील के बावजूद भी इतना है कि वे बसते हैं लेकिन अस्थाई रूप से वो नहीं बस सकते हैं। यह व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी आज भी यहाँ बरकरार है। हाँ, वर्तमान समय में इसमें कुछ ढील अवश्य दी गई है। अब परिवहन, परिवहन में ऑस्ट्रेलिया के कुल सड़क की लंबाई का 16% लंबाई इसी मर्रे डार्लिंग बेसिन में पाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय मार्ग चौड़ा होता है। रेल मार्ग का विस्तार कम हुआ है, यह विस्तार जहां भी हुआ है आवश्यकता अनुसार हुआ है, बड़े शहरों को अगर रेल से जोड़ा गया है, लेकिन आंतरिक भागों में रेल का विस्तार कम पाया जाता है। इस तरह से यह संपूर्ण मर्रे डार्लिंग बेसिन को हम 4 भौगोलिक प्रदेश में बांट सकते हैं। समुद्र तटीय औद्योगिक प्रदेश जो पूर्वी किनारा है, पूर्वी उच्च भूमि एकदम किनारे जो जहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है
वह पशुपालन का कार्य किया जाता है उसको एक भौगोलिक प्रदेश में रखते हैं। आंतरिक भाग मध्यवर्ती भाग जो है मरे डार्लिंग बेसिन का एरिया जहां गेहूं उत्पादन का एरिया है वह गेहूं उत्पादन को उसको एक भौगोलिक क्षेत्र में रखते हैं जिसको मरे डार्लिंग का गेहूं प्रधान प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और चौथा आंतरिक भाग में भी यत्र तत्र जहां अधिक ऊंचाई के भाग मिलते हैं वहां भेड़ पालन किया जाता है तो आंतरिक भेड़ पालन के प्रदेश हैं। इस प्रकार से यह इस प्रदेश का फ्यूचर इस प्रदेश का भविष्य काफी उज्ज्वल है। क्यों? इसलिए कि खनिज भी यहाँ उन्नत है, ये कृषि कार्य भी उन्नत अवस्था में है और खनिज और उद्योग तीनों का पर्याप्त विकास हुआ है और आधुनिक तर्ज पर हुआ है विकास। इसलिए इस मरे डार्लिंग बेसिन का भविष्य एकदम उज्ज्वल है। और अंततः कंक्लूजन के रूप में हम यह कह सकते हैं कि एक मरे डार्लिंग बेसिन एक संतुलित भौगोलिक प्रदेश है जो ऑस्ट्रेलिया के भविष्य को निर्धारित करता है और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की आत्मा ऑस्ट्रेलिया का दिल इसी डाउन्स में के मैदान घास के मैदान में यानी मरे डार्लिंग बेसिन में ही बसता है। थैंक यू। तो इसके आधार पर आप अपना नोट तैयार कर सकते हैं, एक शॉर्ट पॉइंट्स है, एक शॉर्ट पॉइंट के आधार पर आप नक्शा को भी ड्रा कर सकते हैं एटलस की सहायता से और अपने अनुसार अपनी भाषा में एक बैलेंस्ड ज्योग्राफिकल रीजन बैलेंस्ड ज्योग्राफिकल अकाउंट लिखने का नोट तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।